हे गाइस दर्द तो आज मैं बात करने वाला हूँ OMG 2 विस इज गदर 2 के बारे में। हाँ भाई, इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात करूंगा, पहले दिन का और भाई आज के दिन का भी, मतलब दूसरे दिन का भी कलेक्शन के बारे में एक तरीके से प्रेडिक्शन लगाऊंगा मैं। तो सबसे पहले भाई मैं पहले दिन का जो कलेक्शन बता दूं OMG 2 का, भाई जिस हिसाब से मूवी रिस्पॉन्स दिखा रही है, भाई लोगों को पसंद भी आ रही है मूवी। और भाई मैं वहाँ तो ए रेटिंग है, लेकिन मूवी कुछ ना कुछ इसके अंदर देखने को हमें जरूर मिलता है और कुछ ना कुछ हमें सीखने को भी मिलता है। तो भाई मूवी काफी अच्छी तरीके से लोगों को पसंद आ रही है। तो भाई इसके जो पहले दिन का जो कलेक्शन निकल के आया, तो मैं सबसे पहले बता दूं कि भाई जो नेट कलेक्शन निकल के आया था भाई लगभग 10 से 11 करोड़ के आसपास निकल के आया था, और भाई ओवरसीज से लगभग 5 से 6 करोड़ इतने कमा लिए हैं। तो यहाँ टोटल मिलाकर के अपने पहले दिन के कलेक्शन में OMG 2 कितना कमा चुकी है, लगभग 19 से या 18 करोड़ के आसपास ये कमा चुकी है। बताया जा रहा है कि भाई लगभग 20 करोड़ तो ये कमा ही लेगी आराम से, पहले दिन के कलेक्शन में मान के चलो 20 करोड़ इसने कमा लिए। ठीक है भाई, मानता हूं कि इसका रिस्पॉन्स इतना अच्छा नहीं रहा, लेकिन हाँ अक्षय कुमार की पहले के मुकाबले जितनी मूवीज आई थी उसके मुकाबले भाई ये मूवी काफी अच्छी है और इसका रिस्पॉन्स भी थोड़ा बहुत अच्छा रहा है। तो भाई मानना पड़ेगा भाई अक्षय कुमार इस बार बवाल मचाने वाले हैं। और दूसरी चीज बताओ भाई, इसके शोज को भी बढ़ाया गया है, पहले लगभग 1600 या 1700 शोज मिले थे, लेकिन अब इसके शोज को बढ़ा करके 2400 या 2500 शोज हो चुके हैं। तो भाई सही में इसका भी क्रेज बन रहा है धीरे धीरे, और भाई अगर मंडे तक में कुछ बवाल कर देती है तो भाई कहीं सही में ये अच्छा खासा कलेक्शन कर लेगी। ठीक है, अब भाई आज के कलेक्शन की इसके बारे में बात कर लो भाई, जो भी निकल के आ रहा है इसका आज का कलेक्शन, कि बताया जा रहा है कि भाई लगभग ये नेट और ओवरसीज से दोनों मिलाकर के जो बता रहा है, बताया जा रहा है कि भाई 15 करोड़ से 16 करोड़ के आसपास ये आज के दिन के कलेक्शन में कमा लेगी OMG 2। और भाई अगर ऐसा होता है, तो अगर इस तरीके से रिस्पॉन्स का रहता है, तो सही में यार ये मूवी हिट होने से इसे कोई नहीं रोक सकता। और भाई अक्षय कुमार की बहुत दिनों बाद ऐसी मूवी रिलीज हुई है जो भाई अच्छा खासा रिस्पॉन्स दिखा रही है और थिएटर में लोगों को मजबूर कर रही है आने के लिए कि भाई आओ और देखो, क्योंकि मूवी काफ़ी अच्छी बनी है। तो भाई सही में OMG 2 भी अच्छा बवाल मचा रही है। अब भाई इसके मुकाबले अगर गदर 2 के बारे में बात करें, भाई सही में देखो यार, गदर 2 ने तो भाई सही में झंडे गाड़ रखे हैं, और भाई इसने हर किसी के मतलब पीठ पीछे तो तमाचा जो मारा है ना भाई, सही में मानना पड़ेगा यार, क्योंकि भाई बहुत सारे बंदे इसको भाई नकार रहे हैं, इस मूवी के बारे में बहुत बुरा भला बोल रहे हैं। पर्सनली मुझे भी इतनी अच्छी नहीं लगी, लेकिन तब भी भाई बंदे ये मूवी जाके जरूर देख रहे हैं भाई, और लोगों को पसंद भी आ रही है। मुझे नहीं पता क्या पसंद आ रहा उनको, क्योंकि सनी पाजी के एक्शन सीन पसंद आ रहे हैं या उनके डायलॉग सीन पसंद आ रहे हैं, पर पसंद आ रही है भाई लोगों को मूवी। ठीक है, और बहुत सारे बंदे मैं तो निकाल रहे इस मूवी को लेकर के, क्योंकि भाई मूवी अच्छी नहीं, मेरी लोग बोल रहे हैं, मुझे भी नहीं अच्छी लगी। लेकिन सबसे पहले इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, ओ भाई जो इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन निकल के आया ना भाई, भाई चौंकाने वाला है। क्यों, सबसे पहले बता दूं, पहले दिन का जो सिर्फ नेट कलेक्शन जो निकल के आया भाई 40 करोड़ के आसपास निकल के आया है। सोच रहे मजबूर करने वाली बात यह है कि भाई 40 करोड़ निकल के आया है, क्योंकि लोगों को पसंद आ नहीं रही है, लेकिन तब भी इसने 40 करोड़ कमा लिए अपने पहले दिन में, वो भी नेट कलेक्शन। और ओवरसीज का बताया जा रहा है 7 करोड़ के आसपास इसने ओवरसीज से कमाया है, यानी टोटल मान के चलो लगभग 48 करोड़ या 49 करोड़ कमा चुकी है वो भी पहले दिन के कलेक्शन में। और भाई सही में काफी अच्छा ये कलेक्शन निकल के आया इसका। और दूसरे दिन का जो प्रेडिक्शन किया गया, यानी आज का जो प्रेडिक्शन किया गया भाई, बताया जा रहा 35 करोड़ के आसपास ये कमा लेगी अपने नेट और ओवरसीज मिला करके। और भाई अगर ऐसा होता तो भाई ये 2-3 दिन के अंदर में ही अपना बजट कवर कर लेगी। और अगर ये मंडे तक रुक जाती है, मंडे तक इसका कोई गिरावट नहीं आता है, तो भाई सही में ये ब्लॉकबस्टर मूवी कहलाएगी। और सही में चाहे मूवी जैसी बनी हो भाई, ये मूवी हिट होने से कोई नहीं रोक सकता, इतना मैं मान सकता हूं, क्योंकि मूवी काफी अच्छी भी लग रही है और काफी बेकार भी लग रही है लोगों को। तो भाई जो भी हो भाई, बवाल मचा रही है मूवी भी, और भाई गदर 2 ने भी भाई बवाल मचा दिया, क्योंकि भाई जिस हिसाब से इसका क्रेज बना हुआ था, मैं मानता हूं उस हिसाब से मूवी नहीं है, लेकिन हां मूवी चल रही है भाई, अब बहुत दूर दूर से लोग बंदे आ रहे हैं देखने इस मूवी को। तो भाई सही में काफ़ी बवाल मचा रही है भाई। लेकिन ये बता दो कि दोनों की दोनों मूवी काफ़ी अच्छी हैं, चाहे मैं ये OMG 2 को मानूं या चाहे गदर 2 को मानूं। भाई सही में यार, इन दोनों मूवी जो है गदर 2 और OMG 2, इन दोनों को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। क्योंकि सबसे पहले ये बता दूं कि एक तरफ जो OMG 2 को ए रेटिंग मिली है, दूसरी तरफ भाई गदर 2 को मिक्स रिव्यू मिले हैं, तो इसकी वजह से ये दोनों एक तरीके से टक्कर पे आ गई है मूवी। और भाई सही में दोनों की दोनों मूवी तब भी अच्छा कमाल कर रहे हैं, क्योंकि भाई बवाल मचा रहे हैं, क्योंकि मैंने जैसे आपको बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताया, तो भाई इसका कलेक्शन काफी अच्छा निकल के आ रहा है दोनों का। और सही में अगर ऐसा रहा तो भाई ये दोनों की दोनों मूवी हिट तो आराम से हो जाएंगे। अब देख रहे हैं कौन हिट होता है, कौन ब्लॉकबस्टर होता है, वो तो देखने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन तुम्हें कहीं से यार वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा हो तो वीडियो को तो लाइक कर देना, और कमेंट में बताना कि तुम्हें बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कैसा लगा, और भाई आपको इन दोनों मूवीज में से आपको कौन सी मूवी सबसे ज्यादा अच्छी लगी ये भी कमेंट जरूर बताना। और कहीं से चैनल पर ना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बगल वाले आइकन को जरूर क्लिक कर लेना, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी और मैं ऐसी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वीडियो वाली बनाता रहूंगा। तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, तब तक के लिए बस मैं अलविदा लेता हूं, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, बाय बाय।